नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की ये वीडियो है BSc थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम जूलॉजी पेपर फर्स्ट के मॉडल पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न होंगे वो MCQ मोड में होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के रहेंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस बार का एग्जाम OMR सीट पर होना है, उन सभी के लिए आज की ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण रहेगी। इस क्लास में 100 MCQ प्रश्नों की मैं चर्चा करने वाला हूँ, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगी। जहाँ पर MCQ पैटर्न है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में इस बार पूछे जाने हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण होगा। राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए खासकर महत्वपूर्ण होगा। DDU यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, आगरा यूनिवर्सिटी और बाकी जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में इस बार MCQs एग्जाम होंगे, उन सब के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम पेपर फर्स्ट को कवर करेंगे और कल की क्लास में इसका आंसर की, बाकी तीसरी क्लास में पेपर नंबर सेकंड की भी चर्चा हम कर लेंगे। ओके, तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ स्टेनोफोर। स्टेनोफोर का सामान नाम क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया आपका सी वुलनेट, और बी दिया गया है कॉम जेली, सी आपका दिया गया दोस्तों जिसे कहते हैं कैंड्रियन, और सी दिया गया राउंड वॉर्म। यानी कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर है, स्टेनोफोर का सामान नाम समुद्री अखरोट है, या कंगी जेली है, या फिर निडारियन है, या फिर राउंड वॉर्म है। तो दोस्तों स्टेनोफोर का जो सामान नाम होता है वो क्या होता है, वो कैंगी जेली होता है। क्या होता है? कॉम जेली होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। ओके, चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कल की आपका जो बॉटनी का पेपर था उसमें मैंने कल एक PDF सेंड किया था, जहाँ से लगभग प्रश्न पूछे गए हैं, और मुझे आशा है या विश्वास है कि इसे जो मैं आपको इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनने आपको देखने को मिलेंगे। ओके, पहला दूसरा प्रश्न है, द बॉडी ऑफ कॉम जेली वेयर्स एक्सटर्नल रो ऑफ कॉम प्लेट्स। यानी कॉम जेली के शरीर पर कंघी प्लेटों की बाहरी कतार कितनी होती है? ऑप्शन आपका है 8, 9, 6 या फिर 10। तो दोस्तों आपको बता दें, कॉम जेली के शरीर पर 8 कंघी प्लेटों की बाहरी कतार होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉम जेली के शरीर पर कितने कंघी प्लेटों की बाहरी कतार होती है? तो 8 कंघी प्लेटों की कतार होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच टाइप्स ऑफ कॉम प्लेट्स आर प्रेजेंट इन स्टेनोफोर। ऑप्शन आपका दिया गया है दोस्तों यहाँ पर फ्लेगलेड, ऑप्शन नंबर बी आपका है क्लेटेड, और सी दिया गया साइटोस्केलेटल, और डी दिया गया रो। ठीक है, तो यानी कि स्टेनोफोर में किस प्रकार की कंघी प्लेटें होती हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है हिंदी में ध्वजाकित, रोमक, या साइटोस्केलेटन, या फिर पंक्ति। तो दोस्तों आपको बता दें, क्योटोफोर में जो कंघी की प्लेटें होती हैं वो रोमक प्रकार की होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? रोमक प्रकार की होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो कि है, द प्लेन पैसेज थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइडिंग द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हैव्स सच ऑर्गेनिज्म इज। यानी कि समतल जीवों के शरीर के दो समान हिस्सों में विभाजित करने वाले केंद्रीय अक्ष से होकर गुजरता है, ऐसा जीव जो है वो क्या है? ऐसे जीव को क्या कहते हैं? कार्डेटा कहते हैं, या फिर मामालिया कहते हैं, पोरीपेरा कहते हैं, या फिर क्वेटनोफेर कहते हैं, यानी स्टेनोफेर कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? समतल जीव की जब बात हो रही है तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्वेटनो या स्टेनोफोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, केटेनोफोरा आपका सही आंसर है। ठीक है, जब भी समतल जीवों के, देख लीजिएगा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समतल जीव के शरीर के दो समान हिस्सों में अगर विभाजित करने वाली केंद्रिका या केंद्रीय अक्ष से होकर जो गुजरता है, इस प्रकार का जीव जो है वो केटेनोफोरा है, इसीलिए आंसर नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया द बॉडी ऑफ कॉम जेल्स वेयर्स द क्लाइटेड कॉम्प्लेट्स, यानी कि जो इसमें स्टेटमेंट बता रहा है कि इसमें कॉम जो बॉडी ऑफ कॉम जेली जो है वो क्लाइमेट कॉम्प्लेट्स को कंटेन करती है। दूसरा है कॉम्प्लेट्स इन द क्वेटिनोफोर हेल्प इन द लोकोमोशन, ऑप्शन सी कह रहा है द बॉडी ऑफ कॉम जेली आल्सो वेयर्स द फ्लैगलेट कॉम्प्लेट्स, और डी कह रहा ओनली ए और बी आर करेक्ट। तो इनमें जो सही आंसर होंगे वो ऑप्शन ए और बी आपके हैं। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि द बॉडी ऑफ कॉम जेली वेयर द क्लीटेड कॉम्प्लेट्स, और बी कह रहा है कि कॉम्प्लेट्स इज द क्विटनोफोर हेल्प इन लोकोमोशन। यही दोनों स्टेटमेंट जो है आपके वो करेक्ट हैं, बाकी सभी इनकरेक्ट हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ज्वाला कोशिकाएं जंतु के पास होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं जंतुओं के पास स्थित होती हैं, छाती के पास स्थित होती हैं, उदर के पास या फिर पूंछ के पास या फिर सिर के पास। तो आपको बता दें जो ज्वाला कोशिकाएं हैं वो जंतुओं के कहाँ पर होती हैं, सिर के पास स्थित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका जिसमें क्या पूछा गया है, फ्लेम सेल हैव द लार्ज सिला इन देम। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि जो ज्वाला कोशिकाओं में उनमें सबसे बड़े सीलिया हैं, हाँ या नहीं। तो इनमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा यस यानी हाँ। ठीक है, ज्वाला कोशिकाओं में उनमें जो बड़े सीलिया हैं वो हैं। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जिसमें पूछा गया है द फ्लेम सेल आर द कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ द फ्लैटो बाई लार्जेस्ट द स्टोरीपोर। ठीक है, यहाँ पर है फ्लेम सेल्स फ्लैट वार्म के शरीर से जो पार्श्व उत्सर्जन क्षेत्र से जुड़े होते हैं। पूछा क्या कह रहा है कि जो फ्लेम सेल होते हैं सेल्स होते हैं क्या वो फ्लैट वार्म के शरीर से पार्श्व उत्सर्जन क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन आपका दिया गया हाँ या फिर नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी हाँ। ठीक है, ये जुड़े होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है जिसमें क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, क्लास ऑफ ट्यूबेरिया ऑफ द प्लेटे हिलिथमीज कंसिस्ट ऑफ विच क्लास। पहला ऑप्शन कह रहा है फ्लैटवॉर्म, बी आपका दिया गया है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें, बी ऑप्शन आपका कह रहा है फ्रकेस, या ऑप्शन सी है लीचेस, और डी आपका दिया गया टेप वार्म। ठीक है, तो प्लेटी हेलमिथीज के क्लास टर्बेलारिया में होते हैं। तो टर्बेलारिया में क्या होते हैं भाई, टर्बेलारिया में फ्लैट वार्म जो होते हैं ये होते हैं, फ्लैट वार्म आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्लैट हेलमिथीज के क्लास टर्बेलारिया में प्लेटवार्म होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया टॉक्सिन में क्या इंक्लूड होता है, यहाँ पर दिया गया है स्टेरोपोरिन, ऑप्शन बी कह रहा है कि टेराडॉक्सिन, सी है नन, और डी दिया गया बोथ। तो इनमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टेराडोडोटॉक्सिन इज ए प्रोटीन, क्या टेराडोडोटॉक्सिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है या नहीं। तो आपको बता दें ये एक प्रकार का प्रोटीन नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एंजाइम से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है जिसमें दिया गया फ्लूक बॉडी शेप रिसेम्बल विथ, फ्लूक बॉडी शेप से मिलता जुलता है। पहला दिया गया फ्लैट वार्म, राउंड वार्म, लीच या अर्थ वार्म। तो फ्लूक बॉडी शेप से जो मिलता जुलता है वो मिलता जुलता है लीच। ठीक है, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यानी जोक जो है वो फ्लूक बॉडी शेप से मिलता जुलता है, इस प्रकार से ऑप्शन सी में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया गया है फ्लूक्स फीड आर ग्रो इन,
फ्लूक्स खाता है और बढ़ता है, जो फ्लूक्स है वो खाता है यानी फूड, फ्लूक्स फूड एंड ग्रो इन, फ्लूक्स क्या खाता है और बढ़ता है। ऑप्शन दिया गया हार्ट, लंग्स, किडनी या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा फ्लूक्स फीड एंड ग्रो इन ऑल ऑफ दीज, यानी हार्ट, लंग्स और किडनी। ठीक है, तो आपके सही आंसर कौन से हो जाएंगे, डी वाला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि एंटीगो ग्लूट सिक्रेटेड बाय लीच इज, जोक द्वारा स्त्रावित थक्का रोधी में से कौन सा है, जोक द्वारा स्त्रावित थक्का रोधी कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, यहाँ पर है हेपरिन, बी दिया गया है हेमेटिन, ऑप्शन सी है हीरोदिन और डी दिया गया है हीमोग्लोबिन। तो जोक द्वारा जो स्त्रावित यानी कि जो जोक लगने पर जो खून या ब्लड बहता है तो उसका जो स्त्रावित थक्का रोधी है वो कौन सा है, तो हीरोदिन, हीरोदिन जो है वो जोक द्वारा स्त्रावित थक्का रोधी है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर, ऑप्शन सी इसमें आपके सही आंसर होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लीच बिलोंग टू द क्लास, जो लीच है यानी जोक किस वर्ग का है, जोक किस वर्ग का है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ओलिगोचेटा, जो जोक है क्या वो ओलिगोचेटा वर्ग का है, या ऑप्शन बी कह रहा है कि हिरुडिनिया का है, ऑप्शन सी है पालीचेता और डी ऑप्शन दिया गया है चेतोपोड़ा। तो आपको बता दें जो जोक है वो हिरुडिनिया वर्ग का है, हिरुडिनिया वर्ग का है, ऑप्शन बी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, जोक किस वर्ग का है, हिरुडिनिया। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है टोटल मैरिन एनिलिडा बिलोंग टू द क्लास, कुल समुद्री एनिलिड वर्ग के हैं, कुल समुद्री जो एनिलिड हैं वो किस वर्ग के हैं, ओलिगोचेटा, हिरुडिनिया, पॉलीचेता या फिर या चेतोपोड़ा। तो बता दें कुल समुद्री जो एनिलिड हैं वो पॉलीचेता वर्ग के हैं, किस वर्ग के हैं, पॉलीचेता वर्ग के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, पॉलीचेता इज द करेक्ट आंसर। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो भी हमारे इस चैनल पर अभी जुड़े हैं पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन अर्थ वार्म इज, यानी केचुए में श्वसन की विधि है, केचुए में श्वसन की विधि है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है त्वचीय या फिर गलफड़े से या पल्मोनरी या चमड़े के नीचे। तो केचुए में आप सभी लोग बताइए जल्दी से कि केचुए में जो श्वसन की विधि है वो क्या है। तो जो केचुआ श्वसन यानी सांस लेता है वो त्वचा के अनुसार यानी त्वचा के से लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर केचुए में जो श्वसन की विधि है वो क्या है, त्वचीय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सटेटरी यूनिट्स ऑफ द एनिलिडा आर, तो यहाँ पर पूछा गया है कि एनिलिडा का जो एक्सटेटरी एक्सकेटरी यूनिट्स है वो क्या है। तो इनमें से नेपोहेडिनिया, ठीक है, ये क्या है, इसका जो है यूनिट्स है। फिलहाल इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस है, बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग गूगल कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वॉल्किंग लंग्स आर वॉल्किंग लंग्स ऑफ परवान आर, झींगे झींगे के चलने वाले पैर होते हैं, जो झींगा होता है उसके जो चलने वाले पैर होते हैं वो कितने होते हैं, 8 जोड़ी होते हैं या 5 हवा होते हैं, 19 पैर होते हैं या फिर 13 पैर होते हैं। यहाँ पर हवा एयर लिख के आया है, यहाँ पर पेयर होगा 5 पेयर। ओके, यहाँ पर अगर ट्रांसलेट हुआ है तो यहाँ पर हवा लिख के आ गया। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। ओके, चले तो झींगे के चलने वाले पैर की बात हो रही थी, तो कितने पैर होते हैं, तो झींगे के जो चलने वाले पैर होते हैं वो 5 पैर होते हैं। कितने पैर, 5 पैर होते हैं, यहाँ पर हवा नहीं होगा, 5 पैर होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन परवान इज, झींगा में, झींगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परवान कहते हैं। ठीक है, तो झींगे में श्वसन जो अंग है वो क्या है, झींगे में जो श्वसन अंग होते हैं वो कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया गिल्स के द्वारा,
ऑप्शन बी है पुस्तक फेफड़ा, या फिर टाचिया, या फिर डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो झींगा में जो श्वसन का प्रकार है वो गिल्स, गिल्स के द्वारा झींगे जो है श्वसन प्रक्रिया अपनी पर संपन्न करते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि झींगे में उत्सर्जी अंग हैं द एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन परवांस इज, झींगे में उत्सर्जी अंग, यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि मल्पी, घियन उबेले, या ऑप्शन बी है हरी ग्रंथि, काकसल खुश, या फिर ट्रेकिया। ठीक है, तो झींगे में जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हरी ग्रंथि जो होती है उसमें, झींगे का उत्सर्जी अंग जो है वो क्या है, हरी ग्रंथि, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि टेग्यूमेंट ग्लैंड इन परवान इज प्रेजेंट इन, झींगे में टेग्यूमेंट ग्रंथि पाई जाती है, झींगे में टेग्यूमेंट ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया गया है पैर में, छल्ली में, या फिर एपिडर्मिस में, या फिर डर्मिस में। तो आपको बता दें झींगे में जो टेग्यूमेंट ग्रंथि पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, वो डर्मिस में पाई जाती है। कहाँ पर, डर्मिस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है स्विमर्स ऑफ परवान आर, झींगा मछली तैराक होती है, झींगा मछली तैराक होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जो पैलियोपोड्स, यूरोपोड्स, या प्लोरोपोड्स, या एपोपोड्स, ये क्या है, एक झींगे की प्रजाति है जिनमें से जो झींगा होता है, झींगा मछली, वो उसका नाम क्या है जो तैराक होती है, वो है पिलियोपोड्स, ये जो होती हैं ये तैराक होते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपके सही आंसर हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है द नंबर्स ऑफ सेगमेंट इन लीच इज, जोक में खंडों की संख्या कितनी होती है, जोक में खंडों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन दिया गया 33, 26, 44, या 120। तो आपको बता दें जोक में खंडों की जो संख्या होती है वो 33 होती है, कितनी होती है, 33 होती है। इनमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि केचुए में नेफ्रिडिया के द्वारा निकालने गए नाइट्रोजनी उत्सर्जक अपशिष्ट का प्रमुख भाग किस रूप में होता है, यूरिया एसिड के रूप में होता है, या फिर यूरिया के रूप में होता है, या अमोनिया के रूप में होता है, या एमिनो एसिड के, या अमीनो एसिड के रूप में होता है। तो आपको बता दें केचुए में जो नेफ्रिडिया के द्वारा निकाले गए नाइट्रोजनी उत्सर्जक अपशिष्ट का जो प्रमुख भाग होता है वो यूरिया के रूप में होता है, किस रूप में होता है, यूरिया के रूप में होता है। इसलिए ऑप्शन बी में आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है नेरिस इज ऑप्शन ए दिया गया है कि ग्रेगरिस, ऑप्शन बी दिया गया है निशाचर, ऑप्शन सी है मांसाहारी, और ये सभी जो नेरिस होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रकार के निशाचर होते हैं, मांसाहारी होते हैं, या फिर ये सभी, तो ये सभी जो होते हैं ये प्रकार के ग्रेगरियस होते हैं, निशाचर भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है लोकोमोशन अकर्स इज द अर्थ वार्म थ्रो, केचुए में संचलन किसके द्वारा होता है, सेते के द्वारा होता है, या पारापोडिया के द्वारा होता है, या फिर सेट और वृत्ताकार मांसपेशियों द्वारा, या फिर सेटे गोलाकार अनुदैर्ध्य मांसपेशियों के द्वारा। तो आपको बता दें केचुए में जो संचलन होता है ना वो किसके द्वारा होता है, वो पारापोडिया के रूप में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी में आपकी सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है स्टार फिश आर, तारा मछली होती हैं, शाकाहारी होती हैं, सर्वाहारी होती है ये, या मांसाहारी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके, स्टार फिश के बारे में। तो जो स्टार फिश होती हैं, तारा जो मछली होती है ना, वो मांसाहारी होती हैं, क्या होती हैं ये मांसाहारी होती हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कार्निवोरस होती हैं। ओके ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है द कॉमन नेम ऑफ एंटीडान इज, एंटीडान का सामान्य नाम क्या है, एंटीडान का क्या पूछा गया है सामान्य नाम, समुद्री मछली या समुद्री सितारा या समुद्री आर्चिन, समुद्री ककड़ी या पंख सितारा। चलिए तो एंटीडान का जो सामान्य नाम है उसे क्या कहते हैं, पंख सितारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फेदर स्टार इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है इसमें जिसमें पूछा गया वन ऑफ द दीज इज ए स्टालकेट इकाइनोडर्म, इनमें से एक ठंठल इकाइनोडर्म है। पहला ऑप्शन दिया गया है एटेडान, या फिर ऑप्शन बी है इचेनोकार्डियम, ऑप्शन सी दिया गया है एफियोथ्रिक्स, और ऑप्शन डी दिया गया है पेंटासेरोस। ठीक है तो इनमें से जो डंठल इकाइनोडर्म है जिसका नाम है एंटेडान, इसका क्या नाम है एंटेडान, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंटेडान जो है वो एक प्रकार का डंठल इकाइनोडर्म है। चलिए अगला प्रश्न है द लार्वा ऑफ होलोथ्राइड इज, होलोथ्राइड का लार्वा है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए टर्नेरिया, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ओकोस्पियर, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों टोकोफोर, और सी दिया गया है बीपीत्रीरिया। ठीक है तो होलोथ्राइड का जो लार्वा है, होलोथ्राइड का जो लार्वा है उसे क्या कहते हैं, उसे बीपीत्रीरिया कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीपीत्रीरिया। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि डेविल्स फिश इज अ कॉमन नेम ऑफ, डेविस फिश का सामान्य नाम क्या है, क्या पूछा गया है डेविस मछली का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन एक यहाँ पर दिया गया है सेपिया, ऑप्शन बी दिया गया है लोलिगो, ऑप्शन सी है ऑक्टोपस, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है टेरिडो। तो डेविस फिश का जो सामान्य नाम है वो ऑक्टोपस है, क्या है ऑक्टोपस जो है वो सामान्य नाम किसका है, डेविल फिश का, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न दिया गया है मोर एडवांटेज माउल्स बिलोंग टू द क्लास, सर्वाधिक उन्नत मोलस्क वर्ग के हैं, सर्वाधिक उन्नत मोलस्क वर्ग के हैं। चलिए इसे सभी लोग आंसर बताइए, ऑप्शन ए दिया गया है स्पेलोपोडा, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है स्पेलोपोडा दिया गया है, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या कह रहा है गैस्ट्रोपोडा, सी दिया गया है एम्पीफ्यूनूरा, और डी दिया गया है मोनोपाकोफोरा। ठीक है तो सर्वाधिक उन्नत जो मोलास्क वर्ग के हैं वह है मोनाकोफोरा, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है स्टोन कैनल इज द स्टार फिश इज एसोसिएटेड विथ, स्टार फिश में स्टोन कैनाल संबंधित है किससे, पाचन तंत्र से या जल संवहनी प्रणाली से या फिर नहर प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है तो यहाँ पर जो स्टार फिश में स्टोन कैनाल है वो संबंधित है किससे, नहर प्रणाली से संबंधित है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनल सिस्टम, स्टारफिश में स्टोन जो है वो कैनाल से संबंधित किससे, नहर प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इकाइनोडर्म से के चलन अंग को क्या कहते हैं, इकाइनोडर्म के चलन अंग को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है पैरापोडिया या स्यूडोपोडिया, सेटे या फिर ट्यूब फीट। तो इकाइनोडर्म के चलन अंग को क्या कहते हैं, ट्यूब फीट कहते हैं, क्या कहा जाता है इसको, ट्यूब फीट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर, अगला प्रश्न है कि भारत में फाइलेरिया इन इंडिया इज ट्रीटमेंट ट्रांसमिटेड बाई, भारत में फाइलेरिया किसके द्वारा फैलता है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कि डोमेस्टिका, या फिर ऑप्शन बी है एनोफेलीज व्यंजन के द्वारा, या क्यूलेक्स
फर्टिलाइजर के द्वारा या फिर एजिप्टी के द्वारा। तो आपको बता दें भारत में जो फाइलेरिया फैलता है ना वो क्यूलेज फर्टिलाइजर्स के द्वारा फैलता है। ऑप्शन सी इसमें आपके करेक्ट आंसर हैं। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यहाँ पर है, फाइलेरिया इज द रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ, फाइलेरिया किसके संक्रमण का परिणाम है? ऑप्शन ए दिया गया है फ्लीस, ऑप्शन सी दिया गया है बेड बैग, या सी दिया गया लीच, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है निमेटो वर्ब। आप कीजिएगा। तो फाइलेरिया के किसके संक्रमण का परिणाम है? तो फाइलेरिया जो है दोस्तों वो निमोटा नेमाटोड क्रिम का जो है संक्रमण है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एस्कारिस लुम्ब्रिकोर्ट्स सामान्यता किस नाम से जाना जाता है? ये एक प्रकार का फाइलेरिया कीड़ा होता है, या फिर हुक वार्म है, या राउंड वार्म है, या फिर पिन वार्म है। तो एस्कारिस लुम्ब्रिकोइड्स जो है वो सामान्यता नाम है दोस्तों राउंड वार्म का। ऑप्शन नंबर सी में आपके सही आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी अफ्रीकी नींद की बीमारी क्या या फिर गैबियंस बुखार के कारण के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है लीशमैनिया, या फिर टेपनोसोमा, या फिर एटामोइबा, या ट्रांसकोमोनास। तो आपको बता दें इनमें से दोस्तों जो टेपनोसोमा है वो अफ्रीकी नींद की बीमारी या फिर गैबियंस बुखार का के कारण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में मलेरिया परजीवी की सूक्ष्म जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नमूना लिया जाता है? जब भी मानव में मलेरिया के परजीवी की जांच होनी होती है तो मानव निम्नलिखित में से किसका नमूना लिया जाता है? स्टूल लिया जाता है, या थूक लिया जाता है, या रक्त, या फिर मूत्र। तो दोस्तों मानव में मलेरिया परजीवी की सूक्ष्म जांच के लिए मानव का रक्त लिया जाता है। ऑप्शन सी में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी बिल्ली के मल के संपर्क में आने से मनुष्य में फैल सकता है? यहाँ पर है कि कौन से ऐसे परजीवी हैं जो फैलते हैं बिल्ली के मल के संपर्क में आने पर। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है टाइकोमोनास, यानी कि योनी नालिस, या ऑप्शन बी दिया गया है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, ऑप्शन सी है एटामोइबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन सी दिया गया है प्लास्मोडियम फिलीसी फेरम। तो इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा टोक्सोप्लाज्मा गोंडी जो होता है ये फैलता है बिल्ली के मल, ये मनुष्य में फैलता है बिल्ली के मल के संपर्क में आने पर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी मनुष्यों और जानवरों में अतिसार का एक सामान्य लक्षण है? यहाँ पर है इनमें से परजीवी के नाम दिए हैं जो मनुष्य और कुछ जानवरों में अतिसार का एक प्रमुख लक्षण बन जाता है। पहला ऑप्शन है जीआरडिया, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है लीशमैनिया डोनोवानी, ऑप्शन सी है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है न्यूमोसिस्टिस कार्नी। तो इनमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जीआरडिया लैम्बिलिया। ओके इनमें ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोना पैरासाइट कैन बी स्प्रेटेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ द सैंडफ्लाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ परजीवी बालू मक्खी के काटने पर मनुष्य में फैल सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रोटोजोआ परजीवी जो है वो बालू मक्खी के काटने से मनुष्य में फैल सकता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं एटामोइबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन बी दिया गया है प्लाज्मोडियम फलसी फेरम, ऑप्शन सी है टाइकोमोनास वर्जिनेलिया वर्जिनेलिस, ऑप्शन सी दिया गया लीशमैनिया
दोनों वाली। ओके, तो इनमें से आंसर कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा प्रोटोजोआ परजीवी, प्रोटोजोआ परजीवी इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एटोमोइबा हिस्टोलिटिका, तो ये आपका हो जाता है लीच के संपर्क में आने से। तो इनमें से जो प्रोटोजोआ परजीवी वालू मक्खी है वो है लीस मैनिया डोनोवानी, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल्स ऑफ पेट्स इज, कीटों में जैविक नियंत्रण क्या है, कीटों में जैविक नियंत्रण क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन हाई एक्सप्रेसिव सेल्फ प्रोटेक्टिंग या फिर टॉक्सिक्स, यानी कीटों में जैविक नियंत्रण। पहला ऑप्शन है प्रदूषणकारी, अत्यधिक महंगा, स्वास्थायी या विषाक्त। तो कीटों का जो जैविक नियंत्रण है वो क्या कहलाता है, कीटों का जैविक नियंत्रण जो कहलाता है वो स्वास्थायी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्फ प्रोटेक्टिंग। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त जो कार्बमेट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको फेनिल कार्बमेट्स कहा जाता है या फिर थायो कार्बमेट्स कहा जाता है या प्रस्तावक कहा जाता है या फिर डाइथियो कार्बमेट्स कहा जाता है। तो कीटनाशक के रूप में जो प्रयुक्त कार्बमेट्स हैं उनको प्रस्तावक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रस्तावक के रूप में उन्हें जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बहुत ही कम बायो डिग्रेडेशन वाले जो कीटनाशक हैं, कीटनाशक लेकिन वसायुक्त ऊतक के लिए बहुत मजबूत संबंध हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि आर्गना क्लोरिन, ऑप्शन बी है आर्गिनो फास्फेट्स, सी आपका दिया गया है पायरोथ्राइड्स और डी दिया गया है टाइजिन। तो बहुत कम तथा बायोडिग्रेडेशन वाले कीटनाशक, लेकिन जो होती है क्या है कि विषाक्त युक्त ऊतक के लिए मजबूत संबंध है। तो इनमें अगर हम बात करें आर्गिनोक्लोरीन की, तो क्या ये सही ऑप्शन होगा, तो इनमें सही ऑप्शन आपका ए ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर आर्गिनोफास्फेट की, तो यहाँ क्लोरीन की बात हो रही है ना, तो इसमें फास्फेट में वसायुक्त ऊतक के लिए कोई संबंध नहीं होगा क्योंकि फास्फेट ग्रुप लगा है, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप, यानी ऑप्शन ए इसमें आपके करेक्ट आंसर हो सकते हैं। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है आई पी एम स्टैंड फॉर, आई पी एम का क्या मतलब है, तो आई पी एम का जो मतलब है, पहला ऑप्शन कह रहा है इंटरनेशनल पॉपुलेशन मैनेजमेंट, या फिर ऑप्शन बी दिया गया है इंटीग्रेटेड पीट मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल प्लांट मैनेजमेंट और ऑप्शन डी दिया गया इंटीग्रेटेड प्लांट मैनेजमेंट। ओके, यानी अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या पर प्रबंधन कहते हैं IPM। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या प्रबंधन इसे कहते हैं, या फिर एकीकृत कीट प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय संयंत्र प्रबंधन कहते हैं, या फिर एकीकृत संयंत्र प्रबंध। तो इनमें तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, जो कि एकीकृत कीट प्रबंधन। IPM का जो मतलब होता है वो इंटीग्रेटेड पीट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नीम के पौधे से प्राप्त जो कीटनाशक है उनको क्या कहा जाता है, नीम के पौधे से जो कीटनाशक प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको पाइथेरिन कहा जाता है या फिर पायरेथ्राइट कहा जाता है, थायो कार्बमेट कहा जाता है या फिर आज़ादी राचिन कहा जाता है। तो नीम के पौधे से जो कीटनाशक प्राप्त होते हैं उनको आज़ादी राचिन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है द फर्स्ट बायो इनसिक्रेटेड डेवलपमेंट ऑन ए कॉमर्शियल स्केल वाज, यानी कि व्यावसायिक पैमाने पर विकसित वाला पहला जीव कीटनाशक कौन सा है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है क्यूनेन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूनेन DDT, डाइक्लोरोडाइफेनिल, ट्राइक्लोरोएथेन और सी ऑप्शन दिया गया है स्पोरिन, ऑप्शन डी दिया गया है ओरानो फास्फेट।
तो आपको बता दें, व्यावसायिक पैमाने पर विकसित जो पहला जीव कीटनाशक था वो था स्पोरिन। कौन सा था? स्पोरिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें आपके करेक्ट आंसर हैं, सही जवाब हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, द नोबल प्राइज वाज द अवार्डेड टू पाल मुलर फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट पेस्टिसाइड्स। ठीक है, यानी पाल मुलर को निम्नलिखित में से किस कीटनाशक की खोज के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था? पहला ऑप्शन है मेलाथियान, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पैराथियान, सी दिया गया है यहाँ पर पायरेथ्रम, और डी दिया गया DDT। तो बताइए इनमें से किसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको बता दें यहाँ पर DDT के खोजकर्ता जो थे वो कौन थे? वो थे पाल मुलर, जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये एक प्रकार का कीटनाशक है DDT। ओके, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम केस्ड बाय द यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स, यानी कीटनाशकों में प्रयोग होने वाली प्रमुख सामान्य समस्या कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि उनके अवशेष पानी और पर्यावरण के अन्य घटक में बने रहते हैं। जो कीटनाशक होते हैं वो अगर किसी भी पौधे पर हम इसका छिड़काव करें तो वो उनके जो अवशेष पानी होते हैं और पर्यावरण के अन्य घटक में बने होते हैं, यानी कुछ दिन तक उसका असर रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया है कि मच्छर DDT के प्रतिरोधी बन गए हैं। ऑप्शन सी है, ये रेशम के कीड़ों को मारते हैं। डी दिया गया, कुछ मछलियाँ और गिल्फड़ों में विकसित कर देती हैं। तो कीटनाशक के प्रयोग में होने वाली जो प्रमुख समस्या है वो ये है कि उनके जो अवशेष होते हैं वो कुछ बचे हुए होते हैं और पर्यावरण के अन्य घटक में भी बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर होगा। इसका सही उदाहरण ये है कि आप लोग मार्केट से सब्जी लेकर के आते हैं, आप देखते हैं वो सब्जियां जो होती हैं वो इस समय ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है। जैसे आप गोभी खाते हैं ना, गोभी आप लेकर के आते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कीटनाशक जो है वो पड़ती, कीटनाशक दवाएं पड़ती हैं जिनका असर आपके शरीर पर होता है, आपकी बॉडी पर होता है। इसी प्रकार से किसी भी सब्जी में देख लीजिए, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा वो दवा के बल पर ही होती है। यानी कि जैसे आपका शरीर धीरे धीरे, पहले वर्ष क्या होता था कि जब इतनी प्रकार की दवाएं विकसित नहीं थी तब पैदावार कम था, किसी भी कोई भी जो फसल होती थी वो कम होती थी। लेकिन वो कम जो फसल होती थी ना वो बहुत अच्छी होती थी, तब इतने कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता था। और अब जब कीटनाशक का प्रयोग करके हम कोई भी उपज करते हैं, कोई भी चाहे सब्जी हो गया चाहे अनाज हो गया, तो वो हमारे शरीर को ही नुकसान जो है देती है। और उसी नुकसान की वजह से आज देखिए ज़्यादातर सभी लोग दवा के बल पर ही चल रहे हैं, यानी कि उनको दवा शाम को चाहिए ही चाहिए। ज़्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं, हार्ट अटैक की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, ये सब कहाँ से आ रही है? ये सब आपके खान पान पर निर्भर है। और इसमें सबसे जो आजकल मुख्य भूमिका निभा रहा है ना वो कीटनाशक दवाएँ हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रेश वाटर फिश, निम्न में से कौन सा मीठे पानी की मछली नहीं है? मीठे पानी की मछली कौन सी इसमें से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है लीबियो रोहिता, ऑप्शन बी है लीबियो कैलवासू, सी दिया गया है मैकेरल, और डी दिया गया है क्लारियस बत्राचुस। ठीक है, तो इनमें से कौन सी मीठे पानी की मछली नहीं है? तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए लेबियो रोहिता, तो लेबियो रोहिता जो है ये दोस्तों मीठे पानी की मछली है। ऑप्शन बी यहाँ पर है लेबियो कालबसु, तो ये भी मीठे पानी की जो है ये मछली है। ऑप्शन सी है मैकेरल, तो मैकेरल खारे पानी की जो है मछली होती है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकेरल जो है ये आपके खारे पानी की मछली है, मीठे पानी की नहीं है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड द इम्बेल फ्रेश वाटर फिश, निम्न में से कौन सा मीठे पानी की खाने योग्य मछली नहीं है? मीठे पानी की तो है, ठीक है, इनमें से मछली के नाम दिए गए हैं जो कि मीठे पानी की तो है लेकिन ये खाने योग्य नहीं होती है, ये बताया गया है। तो कौन सी ये मछली है? पहला ऑप्शन दिया गया है इंगुइला, ऑप्शन बी दिया गया है
रोबियो रोहिता, विगेलो तंतु, मिस्टस सिंघला, ठीक है। तो इनमें से दोस्तों जो मीठे पानी की ये मछलियाँ सभी हैं, लेकिन इनमें से जो खाने योग्य नहीं है ना, वो आपका है इंगुइला। इंगुइला जो है ये खाने योग्य मछली नहीं होती है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ फिश प्रिसर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन मछली संश्लेषण की विधि नहीं है। इनमें से आपको बताना है मछली संश्लेषण की इनमें से कौन सी विधि नहीं है। पहला दिया गया है चिलिंग। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है चिलिंग। ऑप्शन बी आपका है और बेकिंग। ऑप्शन सी है कैनिंग और डी दिया नमकीन बनाना। तो इनमें से मछली संरक्षण की जो विधि नहीं है वो क्या हो जाएगा, बेकिंग। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मछली संरक्षण की विधि में नहीं आता। बाकी आप देखते हैं विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं आजकल दैनिक युग में, लोग कैसे कैसे प्रयोग करते हैं मछलियों का भी, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, बेकिंग यानी कि पाउडर विधि का प्रयोग जो है मछली संरक्षण की विधि में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिश। निम्नलिखित में से कौन सा मछलियों के आर्थिक महत्व नहीं है, कौन से मछलियों के आर्थिक महत्व नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है भोजन का स्रोत, पानी का स्रोत, विटामिन का अच्छा स्रोत या फिर पॉलिशिंग एजेंट। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी का स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर। निम्नलिखित में से मछलियों का आर्थिक महत्व जो नहीं आता, वो पानी का स्रोत जो है वो मछलियों के आर्थिक महत्व में नहीं आया। बाकी भोजन का स्रोत, विटामिन का अच्छा स्रोत, प्लासिंग एजेंट, ये सभी आर्थिक महत्व के अंतर्गत आते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि द काउ कंटेन 250 kg वेट प्रोड्यूस हाउ मच प्रोटीन पर डे। गाय का वजन 250 किलो होता है। अब होता है ये तो निर्भर नहीं है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो क्वेश्चन तो यहाँ पर रॉन्ग है। गाय का वजन मान लिया कि 250 किलो है, तो वह प्रतिदिन कितना प्रोटीन हमें प्रदान करेगी। 250 यानी दूध में इसके प्रोटीन कितना प्रकार ग्राम होगा, 250 किलोग्राम या फिर 200 ग्राम या फिर 200 किलोग्राम। तो आपको बता दें इनमें से सही आंसर हो जाएगा 200 ग्राम आपके करेक्ट आंसर होंगे। अगर गाय का वजन 250 किलोग्राम का है तो वो 200 ग्राम प्रोटीन हमें प्रदान कर सकती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैटल कीपर आर द सेंटर पोजीशन इन डेयरी इंडस्ट्री विकास। डेयरी उद्योग में पशुपालक केंद्र की स्थिति में है क्योंकि दे कैरी गुड वेराइटीज ऑफ कैटल। ऑप्शन बी कह रहा है कि दे प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस। ऑप्शन सी है देयर प्रोडक्ट आर सोल्ड एट नेशनल इन डेयरी इंडस्ट्री। ऑप्शन डी है दे हैव ब्रॉट वाइट रिवोल्यूशन इन डेयरी इंडस्ट्री। यानी कि डेयरी उद्योग में पशुपालक केंद्र की जो स्थिति में है, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्योंकि वह अच्छी किस्म के जो मवेशी पालते हैं, यानी कि अच्छे किस्म की मवेशियों को ये पालते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है जो कि है कि हु आर द पायनियर ऑफ डेयरी इंडस्ट्री इन गुजरात। गुजरात में डेयरी उद्योग के अग्रणी कौन थे। गुजरात में आपको बताना है कि डेयरी उद्योग के अग्रणी कौन थे। फहान, हैवर या फिर वर्गिस कुरियन। ऑप्शन सी दिया गया है जेप्सन जिसे कहते हैं या फिर वीनस। तो गुजरात में अगर हम बात करें कि डेयरी उद्योग के अग्रणी थे, तो वो थे वर्गिस कुरियन। आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर है कि विच इम्पीरियल वैरायटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। इम्पीरियल पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि इम्पीरियल पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है कि नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी है
इज्जत नगर, ऑप्शन सी है चेन्नई, और डी दिया गया है कोलकाता। तो इपीरियल पशु चिकित्सा अनुसंधान जो स्थित है वो इज्जत नगर में स्थित है, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द स्पेसीज ऑफ हनी बी दैट आर नॉट फुली डोमिसिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन है कि मधुमक्खी की उन प्रजातियों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से पालतू नहीं है। ऑप्शन ए है राक मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय मधुमक्खी, छोटी मधुमक्खी, या ए और सी दोनों। तो इनमें आपके जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, यानी कि राक मधुमक्खी और छोटी मधुमक्खी जो हैं ये पूरी तरह से पालतू मधुमक्खी नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। और जो है पालतू मधुमक्खी जो है वो भारतीय मधुमक्खी जो होती हैं वो पालतू मधुमक्खी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेम ऑफ द स्पेसीज ऑफ हनी बी डेट आर फुली डोमेस्टिकेटेड, यानी उन मधुमक्खियों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से पालतू नहीं है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका ए और सी, यानी कि राक और छोटी मधुमक्खी जो हैं ये पालतू मधुमक्खी के अंतर्गत नहीं आती हैं। अगला प्रश्न है असली मधुमक्खी प्रजाति नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी मधुमक्खी है जो असली मधुमक्खी की प्रजाति नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है ट्रिगोना इरिडिपेनिस, ऑप्शन बी है एपिस डोरसाटा, ऑप्शन सी है एपिस मेलिफेरा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्रिगोना इरिडिपेनिस जो है ये असली मधुमक्खी की प्रजाति नहीं है, ऑप्शन ए इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम ऑफ द सब्सटेंस ऑन विच द वर्कर्स व्हेन द फेट डेवलप इनटू क्वीन, उस पदार्थ का नाम बताइए जिस पर खिलाए जाने पर श्रमिक रानी बन जाती है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिस पर खिलाए जाने पर श्रमिक जो होती है वो रानी बन जाती है। मधुमक्खी की रोटी, रॉयल जेली, या फिर प्रोपलिस, या ए और बी दोनों। तो इनमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉयल जेली खिलाने पर, जो रॉयल जेली एक ऐसा पदार्थ है जिस पर खिलाए जाने पर श्रमिक रानी बन जाती है, ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे CSRTI कहा जाता है वो कहाँ पर स्थित है। CSRTI, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है जिसे कहते हैं हिंदी में केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये बेंगलोर में स्थित है, या फिर चेन्नई में, या फिर मैसूर में, या फिर दिल्ली। तो आपको बता दें कि केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो स्थित है ना वो है मैसूर में स्थित, ऑप्शन सी में आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है द हॉटेस्ट ऑफ टेसर सिल्क वार्म इज, सर रेशम कीट का पोषक है, सर रेशम कीट का पोषक है, ऑप्शन ए है वेर, ओक, सी साव, या ये सभी। तो सर रेशम कीट का जो पोषक है ना वो है बेर, ओक और सिवास, सी साव, यानी आप ये सभी आपके करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम कीट की उस प्रजाति का नाम बताइए, उस प्रजाति का नाम लिखिए जो भारत के लिए मोनल्पी है। पहला ऑप्शन दिया गया है एंथ्रिया आसमा, बी ऑप्शन है एंथ्रिया माइलिट्टा, ऑप्शन सी है फेलोसोमिया रिकिना, या अगला ऑप्शन है डी वाला, या बॉम्बिक्स मोरी। तो इनमें से सही आंसर कौन से हो जाएंगे आपके, इनमें एंथ्रिया आसमा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथ्रिया आसमा जो है वो रेशम कीट की उस प्रजाति का नाम है जो भारत के लिए मोनल्पी है। ओके, ऑप्शन ए इसमें आपके सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरसर रेशम कीट की अवस्था जो डाई
डाइपार्ज से गुजरती है वो होती है अंडा, लार्वा या प्यूपा या वयस्क। तो इनमें से आंसर सही हो जाएगा प्यूपा। ठीक है, तितर रेशम कीट की अवस्था जो डाइपार्ज से गुजरती है वो प्यूपा होती है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है क्या कि पूरे विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। पूरे विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो पूरे विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का जो स्थान है दोस्तों वो है तीसरा। ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में शहद का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो आपको बता दें भारत में शहद का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है राजस्थान। ऑप्शन बी में आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो दोस्तों आज के इस प्रश्न में, आज की इस क्लास में लगभग हमने 100+ क्वेश्चंस यानी 100+ MCQ प्रश्नों को सॉल्व किया है। मुझे आशा है जो भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। बाकी जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मेहनत कीजिए, आप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और इसका PDF दोस्तों आपको जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप इस PDF को मॉर्निंग में ज़रूर एक बार रीड करके जाइएगा। एक बार अभी क्लास आप देख रहे हैं, अगर आप सोते वक्त एक बार फिर रिपीट कर पाएँ तो आप देख लीजिएगा। मॉर्निंग में उठ करके एक बार आप इस वीडियो को देखिए, अगर समय बचता है आपके पास तो एक बार PDF को लेकर के खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं आंसर की आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, ताकि आप सब इस वीडियो को देख सकें और उस PDF को पढ़ें और आंसर अपने मन में खुद बना सकें कि इसका आंसर क्या होगा, तभी आपको क्लियर हो। जैसे कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आंसर की इसकी भी आंसर की साथ में दीजिएगा, आंसर टिक करके दीजिए। देखिए आंसर मैं इसलिए टिक करके नहीं देता हूँ ताकि जैसे अभी आप वीडियो को देख रहे हैं ना, तो अभी आपने समझा होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। मैं ठीक यही PDF आपको जब अगर दे दूंगा तो एक बार आप खुद से टिक कर पाएंगे ना कि इसमें से कौन सा सही है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कमी पता चलेगी कि कमी कहाँ रहेगी। एक बार वीडियो को देखेंगे, दूसरी बार अगर आप PDF को सॉल्व करेंगे तो पूरा PDF आपका सॉल्व हो जाएगा, पूरा आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस विधि से आप पेपर को तैयार कीजिएगा। ओके, वीडियो को पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।